अभी तक यहाँ है? यहाँ नहीं हो सकते, आप जाइए। काम हो गया तो मुझे यहाँ से भगा रही? या यू कैन गो नाउ। देखो बेला, नहीं, आप मेरी बात देखिए, आपसे मुझे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं चाहे किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से युवराज के साथ शादी करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस रिंकी के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। बिकॉज यू नो वॉट, मैं आपको किसी के भी साथ नहीं देख सकती। आप मेरे होते हुए किसी और के नहीं हो सकते, क्योंकि मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए आइंदा आप मुझे उसके साथ फ्लर्ट करते हुए नजर नहीं आने चाहिए, समझे आप? नहीं समझा। थ्योरी थोड़ी वीक है, प्रैक्टिकल समझा तो समझ जाऊंगा। जाइए जाइए यहाँ से। क्यूट लगते जो वैसे करती हो, करती ना करो। आप ही एक्टिंग कर रही। जानता हूँ, अच्छी कर रही थी। अच्छा लगता है जब वैसे करती। जाइए आप, निकलिए यहाँ से। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। बेला बेटा, आर यू रेडी? हाँ माँ, दो मिनट। तो आपने काम कर दिया। मैं तो पहले ही जानता था कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि बस चंद घंटे बचे हैं, रूही के हाथों में मेरे नाम की मेहंदी लग गई है। वो मेरे नाम का जोड़ा पहनेगी, उसके बाद उसकी मांग में मेरे नाम का सिंदूर लगेगा माँ। उसके बाद उस माहिर को मारने के बाद वो मेरे नाम नागमणि कर देगी। उसके बाद सब कुछ मेरे मन का होगा माँ, सब कुछ विक्रांत के मन का होगा, सब कुछ इस नागराज के मन का होगा। मैं बहुत खुश हूँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आरजे आरजे बेटा, क्या है, किसी ने देखा पंडित जी नहीं आए अब तक? फोन तो किया है मॉम, पंडित जी को फॉलो अप कू कर रही थी। अरे तो उससे पूछो। मॉम, मैं कब से पंडित जी का नंबर ट्राई कर रही हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा है। अरे मैं ना बहुत थक चुकी हूँ। अरे ये क्या बात हुई आरजे बेबी, प्लीज। हाँ कू बेबी, बोलो। प्लीज बेबी, मुझे जूस ला के दो ना। अभी लाया बेबी। अरे आदि, ये फोन पकड़ो और जल्दी से पंडित जी को मिलाओ और पूछो कहाँ है। कुछ काम भी किया करो, अब सारे काम क्या मैं करूंगी? सॉरी दूल्हे राजा, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? यार मैं बस होने ही जा रहा था। मुझे पहले बता, बुल्टू आया क्या? बुल्टू एनीवे, चल मैं जाके रेडी होता हूँ। सी यू। या ब्रो। अगर माँ ने मुझे यहाँ देख लिया तो अंदर नहीं जाने देगी, मुझे को नुताए बोल के रोक देंगे। रूही, अब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने चाहा था, है ना रूही? अच्छा हुआ माँ ने तुम्हें सही वक्त पर डस लिया। अब तुम वैसा ही करोगी रूही जैसा मैं कहूंगा।
लेकिन रोहित अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो सबसे जरूरी काम बाकी है, उस माहिर की मौत। वही तो तुम्हारा असली मकसद है ना, है ना रोहित? अब ज्यादा वक्त नहीं हमारी शादी में, और मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना बेसब्र हो रहा हूँ इस बात को जानकर कि तुम मेरी दुल्हन बनने वाली हो। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन लेकिन अपनी खुशी के बीच मैं तुम्हारे दुख को भूल नहीं सकता हूँ रोहित। मैं भूल नहीं सकता हूँ कि इस माहिर ने कितनी बेरहमी से नागरानी माँ को मारा था, और तुम भी ये बात मत भूलना। इसलिए सबसे पहले तुम्हें उस माहिर को मारना है। तो मैं जल्द से जल्द कोई बहाना बनाता हूँ ताकि मैं उस माहिर को उस हवेली में भेज सकूँ, और तुम भी अब से सीधा 2 मिनट बाद उस हवेली में पहुंच जाना। और हवेली क्यों? क्योंकि वो हवेली ही है जहां सब कुछ शुरू हुआ था, और आज सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा। मैं आपका ऑनसाइट मैनेजर बात कर रहा हूँ सर। सर मैं हवेली से फोन कर रहा हूँ, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। सर हवेली की एक दीवार गिर गई है और बहुत सारे वर्कर उस दीवार के पीछे फंस गए हैं। What? बेला तुम्हें नीचे सब बुला रहे हैं, चलो। लेकिन ऐसा अचानक कैसे? छोड़ो वो सब, तुम बताओ तुमने एम्बुलेंस को फोन किया? सर मैंने सबको फोन कर दिया, वो सब रास्ते में होंगे, लेकिन सर आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। क्या है ना, अगर आप यहाँ नहीं हो ये तो भर के यही सोचेंगे कि आप उनकी फिक्र नहीं है। आप आ जाइए सर। सर लगता है कोई दीवार गिर गई, सर आप जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। साइकिल जाओ, हवेली में दीवार तो नहीं गिरी लेकिन आज तुम पर मौत की बिजली जरूर गिरेगी।